गुड मॉर्निंग ऑल, क्या हाल चाल। विश अभी कर रही हूँ, पर गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई थी। 9:30 बजे आज उठ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह से कुरियर वालों ने ऐसी तैसी कर रखी है हमारी। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अभी चाय वाय पी चुके हैं, ब्रेकफास्ट इनको मैंने करा दिया था। आज ब्रेड बटर ही बनाया। इस भाई साहब को दूध डल चुका है, पर इनके ड्रामे हैं, इनको अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए होती हैं। अब बस शुरुआत करने लगे हैं, थोड़े से आंखें खुली हैं, अब बॉडी को रवा कर रहे हैं कि काम धंधे पे लगे, अपना काम देखें। अभी मैंने जेप्टो से सब्जियां वगैरह मंगवा ली हैं, आलू नहीं थे, मेथी कटी हुई है, तो आलू मेथी बन जाएगी आज। तो अब बस वही किचन में एक ही बार घुसूंगी। काम तो वो कर गई है कुसुम, बर्तन वर्तन सब कर गई है, तो एक ही बार घुसूंगी, किचन संभालूंगी और सब्जी बनाऊंगी। और उसके बाद फिर जब समृद्ध उठेगा तो अब बस खाने का ही काम है। कपड़े मैं शाम को ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि शाम को थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है, रात को अपना सुखा के सो जाओ। अब गर्मी का मौसम है, सुबह तक सूख जाते हैं। आज और कोई स्पेशल काम नहीं है मेरा, आज बस यही काम है। क्योंकि दिया के कपड़े तो लग ही चुके थे, बाकी बेड अभी हम नहीं खोल रहे, क्योंकि अभी थोड़े से धोने के कपड़े हैं गर्म, तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। और वैक्यूम बैग भी कम पड़ गए थे, तो वैक्यूम बैग और मंगवाए हैं, तो उसके बाद सारे पैक होंगे एक ही साथ बेड के अंदर, क्योंकि बेड में भी जमाने में दिक्कत हो जाएगी, एक ही बेड है, तो एक ही बेड के अंदर सब कुछ रखना है, सब कुछ। तो देखते हैं। तो चढ़ा दिया मैंने, आगे तेल गरम करने रख दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालती हूँ, तो सरसों का तेल जब तक गर्म नहीं होता तब तक इसको थोड़ा सिम पे गरम करूँगी। साथ साथ मैं मेथी धोने जा रही हूँ, और थोड़ी सी मेथी मैं सोच रही हूँ बचाने के लिए, थोड़ी सी मेथी जो बचाऊँगी उससे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आटा गुंदवा लूँगी, क्योंकि जाती जाती मेथी है एक आध बार ही थोड़ा टेस्ट देगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचाने का सोचा है, और है भी बहुत सारी। तो देखते हैं, अभी मैं काम शुरू करूँ, किचन साफ़ करूँगी, और जो जेप्टो का मेरा वो देखिए पैकेट आया हुआ है, उसको फ्रिज में लगाऊँगी। देखा, सुबह सुबह तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, और अभी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ दूध उबाला है, सब्जी रखी है, और ये चटनी की प्रिपरेशन की है, और जेप्टो से जो सामान मंगाया था सब वो संभाला। अभी किचन नहीं संभाली क्योंकि दूध उबल रहा था। सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से ये धो के रख देती हूँ धनिया पुदीना, मीनवाइल मैं मशीन लगा देती हूँ और साथ साथ बर्तन संभाल लेती हूँ, तो एक एक करके इधर उधर करके मेरा सारा काम संभल जाएगा। और ये बेडशीट थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, क्योंकि इस पर लास्टिक मैंने खुद से लगवाया है, तो वो लास्टिक से ना आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बेडशीट बन गया है, वो प्रॉपरली आ नहीं रहा। देखिए लास्टिक के बाद भी ये देखिए सिलवट आ रहे हैं, इसके अंदर झोल आ रहा है, तो मुझे ना अभी मैंने कॉर्नर्स पे लास्टिक लगवाया था, मुझे लग रहा है मुझे पूरा ऑल ओवर लास्टिक लगवाना पड़ेगा। अभी सब्जी और दूध हो गया, सब हो गया, अब मैं जा रही हूँ कमरा सेट करने। एक बार कमरा सेट करके मशीन लगा के फिर मैं जाऊँगी बर्तन लगाऊँगी और चटनी बनाऊँगी। चलिए यहाँ की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि दो दिन से मैंने चादर भी नहीं झाड़ी है, तो एक बार थोड़ा सा झाड़ लेते हैं।
कमरा हो गया ठीक, मशीन मैंने लगा दी, थोड़ा सामान एडजस्ट किया, डस्टिंग अभी नहीं की। अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन संभालने, बर्तन लगाने और चटनी बनाने। तो ये काम कंप्लीट करके फिर मैं जाऊँगी बालकनी में, जो सूखे हुए कपड़े हैं वो उतार के लाऊँगी। किचन का काम ख़त्म हो गया, अभी मुझे कपड़े उतार के लाने हैं बाहर से। अब पीऊँगी मैं पानी, सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ। 2:50 बोला, 3 बज रहे हैं। अब मेरा काम सारा निपटा है, ये सब संभल गया, अलमारी पूरी जचा दी मैंने, ये जो कपड़े अभी और पैकेट में जाने हैं ये रख दिए, ये दिया के कपड़े, समृत के कपड़े, उसके पापा के कपड़े, ये सब हो गया, ये प्रेस के कपड़े अलग कर दिए। नहा धो ली मैं, तैयार भी हो गई हूँ, सब डस्टिंग वस्टिंग सब करके, मशीन अभी 15 मिनट की रह गई है और समृत उठ गया है, तो अभी बस मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आटा निकाल चुकी हूँ, फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, सब्जी मेरी तैयार है। सब काम निपट गए, खाना खिला दिया सैमी को, मैंने भी एक रोटी खा ली, और जो आज सुबह मेरे पार्सल आए थे मैं वो आपको दिखाना चाह रही थी। है ये बोट का हेडफोन, जो कि बहुत अच्छा डिस्काउंट आ रखा था अमेज़ोन पे, तो वहाँ से ये मैंने मंगवाया था, ये ओके आया है गुड कंडीशन में। और एक मेरे पास वाटर डिस्पेंसर, जो ये वाले हैं, इनके साथ मैं पहले भी लो क्वालिटी वाले सस्ते वाले प्रोडक्ट मंगवा चुकी हूँ पानी निकालने के लिए, तो वो तो मेरे शुरू शुरू में जब आए थे बहुत बढ़िया आए थे, बट बाद में जब मैंने वही प्रोडक्ट दोबारा मंगवाए थे तो वो बेकार निकले थे। तो अभी मैंने ये कंपनी का ट्राई किया है, इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे अमेज़ॉन पे। और ये एक बॉटल भर के दिखा, कि ये बॉटल भर रहा है वो, कहाँ से दिखाऊँ, देखिए पानी का प्रेशर कितना बढ़िया है। अब हमें सैमी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि सैमी पहले पतीले में पलटता है, फिर उसके बाद उसको बॉटल में भरता है, तब हम पीते हैं नहीं। और इसके अलावा मैंने जो नॉर्मल वाटर डिस्पेंसर होते हैं मयूर जग टाइप, वो भी मंगवाया था, ये काफ़ी टाइम तक मैं इससे यूज़ कर रही थी, पर इसका एक बार टैप लीक हुआ तो उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था नए टैप का, मैंने नए टैप भी मंगवाए, बट वो भी एक बार खराब होने के बाद दोबारा जो टैप है वो सही नहीं लगे, वो बस कहते हैं ना किसी टाइम कोई चीज़ खराब होनी होती है तो हो ही जाती है। और कई बार आपने नोट किया होगा, कई बार ना हमारे घर में ऐसी चीज़ होती है, जैसे एक बीमार होता है तो एक के पीछे एक सब बीमार होने शुरू हो जाते हैं, और या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल एक ख़राब होता है, जैसे ये लाइट ख़राब हुई तो इसके साथ साथ और भी 2-4 चीज़ें जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा चलाने वाला काम कर रही थी कि चलो चल रहा है अभी, चल रहा है अभी, चल रहा है अभी, बट जब बिल्कुल अति हो जाती है ना कि नहीं अब नहीं चल पाएगा, अब मुझे लेना ही पड़ेगा, तो तब मैंने ये स्टार्ट किया कि ठीक है जैसे जैसे ऑफर आती जाएंगी मैं कार्ट में सिलेक्ट करके रख लेती हूँ चीज़ों को अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या मीशो पे, पर जैसे ही मुझे ऑफ़र में कोई चीज़ अच्छी मिलती है मैं उसको फटाफट से डाल देती हूँ। तो यही जो प्रोडक्ट अभी आपने वाटर डिस्पेंसर का देखा, ये मेरे पास 1200 रुपये का शो कर रहा था आज से 3-4 महीने पहले, तब मैंने नहीं ऑर्डर किया इसको, मैंने ऑफ़र के वेट में रखा हुआ था, तो अभी मेरे पास उस पर कोई ऑफ़र लग के आया हुआ था तो मुझे वो मिला 849 रुपीज़ का, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया। और मेरे को अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि सैमी कई बार दिन में चला जाता है खेलने, कई बार शाम को चला जाता है खेलने, तो पानी की बॉटल नहीं भरी होती ना, तो मैं उसको वाटर डिस्पेंसर को नहीं हिला सकती, मुझसे नहीं होता 20 किलो की बॉटल एक साथ मूव करना।
अब जब सब काम हो गए हैं, टाइम से निपट गए हैं, 3:30 हुए हैं अभी और सब काम ख़त्म हो गए मेरे, अब मैं कमर सीधी कर सकती हूँ क्योंकि दिया आएगी 4:30 बजे तक, तो तब तक मेरे पास 1.5 घंटा है। मैं आराम से लेटूंगी और शांति से कमर सीधी करूंगी। बट मेरी मशीन हो चुकी है, आपने अभी बेल सुनी होगी, तो पहले मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, कपड़े निकाल के बाहर सुखा देती हूँ, फिर मैं आराम से लेटती हूँ। आज तो कुरियर वालों ने दुखी कर दिया। अब क्या है कुरियर में, वो देख, वो पहले चढ़ा हुआ है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। अरे ये अच्छा कपूर डाला है इसमें, है ना? Yes, very. अब अंधेरा हो जाएगा ना, तब इसकी ये पूरे जो ये है ना क्रश्ड आ रही है, आ तो रही है, कितनी तेज आ रही है। चाय वाय पी के मेस मार रही हूँ, 7:30 हो रहे हैं। मेथी आलू तो बने हुए हैं, दही भी है, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ रायता डाल लेती हूँ। ये देखिए, कभी कभी फ्री में बिन मांगे मुराद मिल जाती है ना, वो हो जाता है। पापा सब्जी मंडी गए थे सब्जियाँ और फ्रूट लेने, और क्या मिला, सेमी को भटूरे छोले। नॉर्मली ये लेके नहीं आते हैं ऐसी चीज़ें, आज पता नहीं इनके मन में क्या आई, फ्रूट और सब्जियाँ लेने गए थे तो गरम गरम वहाँ पे भटूरे बन रहे थे, तो इसके लिए लेके आए हैं। दिया तो सो ही जाती है इस वक्त तक, तो दिया के लिए तो नहीं, इसके लिए लाए हैं। और एक प्लेट हमारे लिए लाए हैं, मैं और ये एक एक खा लेंगे, बाकी मेथी आलू बने ही हुए हैं। कल मैं सोच रही हूँ राजमा चावल बनाने के लिए, तो राजमा आज रात को भिगो के रख दूँगी। तो अब तो 9 बज चुके हैं, तो चलिए अभी रात को तो कुछ ऐसा काम है नहीं और कोई आगे लग नहीं रहा कि मैं कहीं बाहर या कुछ करने वाली हूँ, तो मिलते हैं कल दोबारा। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। प्लीज़ आप देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो अगर लाइक कर देंगे तो मुझे उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दिया कीजिए। और कुछ नहीं, मेरा रूटीन में आपको अच्छा लगता तो एटलीस्ट मेरे एफर्ट के लिए आप कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच। आ गई है।